माय फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एक नया दिन शुरू हो चुका है 2024 का तो चले चलते हैं आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो है वो सुबह से नहीं है आज का व्लॉग जो है वो दोपहर से मैं शुरू कर रही हूँ अभी जो है वो कोई साढ़े बारह का टाइम है तो मैं आ गई थी वन स्टाप क्योंकि आज जो है वो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी लाइक ग्रॉसरी करनी थी तो आज जो है वो बहुत टाइम के बाद जो मैं बच्चों के बगैर आई थी बच्चे स्कूल थे हसन जो है वो जॉब पे थे तो आज इतना कोई खास मेरा घर पे काम नहीं था क्योंकि मुझे जो है वो कुकिंग शाम में करनी थी आज बच्चों ने कहा कि उनको दाल चावल खाने हैं तो वो आपको पता है कि फिर उस टाइम फ्रेश ही बनते हैं क्योंकि रात का ये खाना होता है जो कि हम पूरी फैमिली मिल के बैठ के तो खाते हैं तो मीट ख़त्म हुआ हुआ था और जब हसन छः बजे आते और हम उस वक्त मीट लेने के लिए आते तो वो मोस्टली ख़त्म ही होता है तो मैंने कहा कि चलें आज जो है वो थोड़ा सा टाइम अपने साथ भी स्पेंड करते हैं और जाके मैं जो है वो मीट वगैरह भी ले लेती हूँ और थोड़ा सा जो है वो विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है वैसे शॉपिंग एक ये नहीं कि मैं अपने लिए कोई चीज़ लूँ तो बस वो मुझे मजा आता है मुझे ग्रोसरी करने में भी ना बहुत ही ज़्यादा मजा आता है कि चीज़ें जो है वो देखना अगर कुछ नहीं भी लेना और वैसे ही घूमना ना मुझे बड़ा मजा आता है एक थोड़ा सा ना आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ यूके में ना बहुत ही लाइफ जो है वो मुश्किल है आसान भी कह सकते हैं मुश्किल भी कह सकते हैं क्योंकि जो नए नए आते हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है लेकिन टाइम के साथ साथ फिर आप जो है वो आदि हो जाती हो क्योंकि यहाँ आपको जो है वो घड़ी की सुइयों के साथ ही चलना पड़ता है यहाँ की लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ना एक एक्टिव लाइफ है आ, अगर मैं अपना देखूँ तो आज से कोई छः सात साल पहले अगर मैं खुद को देखूँ तो मैं इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी कि अब हूँ शायद ये यह यहाँ आने के बाद की है कि यहाँ पर जो है वो आपको हर काम खुद करना पड़ता है यहाँ आपके पास कोई हेल्पर नहीं या यहाँ पे जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है कि आप जो है वो आ, मिल के जो है वो काम कर लें आपको खुद ही करना होता है तो फिर आपने ना अपनी एक रूटीन सेट की होती है कि आप जो है वो कौन से काम आपने किस दिन करने हैं जैसे ही सुबह को जो है वो एक आ, मतलब आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि आज आपने ये ये काम जो है वो अपने करने हैं तो वो मैं मेक श्योर sure करती हूँ कि वो काम उस दिन ही ख़त्म हो वो मैं दूसरे दिन में नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे पता होता है कि से दिन भी मैंने खुद ही करने हैं तो आज ही जो है वो मैं काम कर लूँ और फिर आपको अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है और घर के भी काम करने होते हैं तो इसलिए जो है वो एक रूटीन सेट हो जाती है यहाँ पे तो इसलिए मैं ये कह लें कि यहाँ पर मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि हर चीज़ खुद करनी पड़ती है ग्रोसरी एवरी तो खैर यहाँ पर जो है वो मैंने एशियन शॉप से तो ग्रोसरी डन कर ली थी तो अभी मैं आ गई थी एजडा तो यहाँ पे मुझे ये लॉन्ड्री बास्केट को इतनी पसंद आई है ना कि मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप ले लेती तो मैं इसलिए भी नहीं ले रही क्योंकि आम, मैं जो है ना कोई भी घर की चीज लेनी होती है ना मैं ऐसे फौरन से नहीं लेती जब तक मैं हसन से जो है वो उसका मशुरा ना कर लूं, उसको दिखाना दूं कि हसन ये ये हमारे घर में जो है वो ये कैसे लगेगी हम ये लें या नहीं फिर ही मैं वो बाय करती हूँ और इस बात पे जो है वो हसन मुझे कई दफ़ा जो है वो डांटते भी हैं कि बाज़फ़ा आंसर क्विक डिसीजन भी लेना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है और रीज़नेबल प्राइस पर भी मिल रही है और तुम ये वेट कर रही होती हो कि मैं हसन से पूछूँगी या मैं जो है वो उनसे डिस्कस करूँगी और फिर लूँगी तो तब तक वो बाज़ा जो ऐसे ही होता है कि वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है वो नहीं मिलती दोबारा तो वो यही कहते हैं कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है ना तुम ले लो लेकिन आई डोंट नो कि क्या है कि मुझे यही के मैं पहले जो है वो और लूं। तो यहां पर तो तो जो, तो तो जो है वो ये स्वीट हैं जो कि हलाल हैं तो मैं बच्चों के लिए ये वाली लेती हूं ये सारी जो आपको स्वीट नजर आ रही है क्योंकि यहां पर बड़ा मसला कोई भी चीज उठाने से पहले आपको तो सारा पढ़ना पड़ता है कि इसके बाद अंदर जो है वो क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है क्या ये सूटेबल है वेजिटेरियन जैसे लोगों के लिए या कह लें कि हमारे जैसे हलाल है या नहीं है तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का बड़ा होता है अब तो बच्चों को भी बड़ी समझ आ गई है कि स्कूल में जैसे होता है ना कि किसी की बर्थडे होती हैं तो वो ना स्वीट्स देते हैं बच्चों को तो वो अब बच्चे जो है ना वो मेरे वहाँ पे नहीं खाते जब मैं जाती हूँ उनको लेने के लिए तो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मी के आप ये चेक करो कि इट्स फॉर हलाल आ, आ नॉट तो फिर जो है मैं वो देखती हूँ कि ये हलाल है या नहीं तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ तो अब मुझे ये खुशी भी है कि बच्चे जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम जो है वो सिर्फ हलाल चीज़ ही खा सकते हैं उसके अलावा जो भी चीज़ है तो वो हम जो है वो ईट नहीं कर सकते तो खैर यहाँ से जो है वो दूध अंडे ब्रेड जो आपको पता है ना कि एवरी डे यूज़ की जो चीज़ें होती हैं बस वो मैंने यहाँ से ली हैं और उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी बर्तनों वाले सेक्शन में क्योंकि जो लोग मेरे जो है वो वीडियोज रेगुलर देखते हैं तो उनको पता होगा तो इसलिए जो है वो एक राउंड यहां का तो जरूर ही जो है वो लगाना होता है हालांकि मुझे आज कुछ लेना नहीं था यहां से लेकिन फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा चक्कर ही लगा लेते हैं तो काफी मजे की चीजें आई थी वैसे यहाँ तो एवरी वीक ही ना आपको मतलब नई नई चीजें ही नजर आती हैं और फिर दिल भी कर रहा होता है कि ले ले लेकिन यहाँ पे घर इतने छोटे होते हैं कि आप जो है वो बस चीज़ों का अंबार नहीं लगा सकते कि जो भी चीज आपको पसंद आ रही है तो बस आप लेते जाओ लेते जाओ क्योंकि आपको अपनी आ, जो है वो देखना भी पड़ता है कि घर में जो है वो जगह होगी क्योंकि किचन में फिर जगह बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें इकट्ठी हो जाती हैं इतनी ज्यादा हो जाती हैं और जो है वो जगह नहीं होती तो ये भी फिर आपको देखना पड़ता है तो यहाँ पे जो है वो बस मैंने ग्रोसरी तो डन हो चुकी थी बस अभी मैं सिर्फ ऐसे ही टाइम जो है वो स्पेंड कर रही थी तो यहाँ से ये यह करने के बाद जो है वो अभी मैंने जाना है घर वापस क्योंकि आज जो है वो आनी है डिलीवरी मैंने एक चीज़ आर्डर की थी क्रिसमस पे ही की थी और वो आज जो है वो डिलीवर होगी और उसका जो है वो बड़े दिनों से जो है वो मुझे इंतजार था तो मैंने कहा कि जो है वो उसके आने से पहले पहले जो है ना वो घर पहुंचू क्योंकि यहाँ पर आपको है कि जब भी कोई चीज़ आपकी डिलीवर होनी होती है तो वो मैसेज कर देते हैं कि पोस्टमैन ने जो है वो इतने से इतने बजे तक आना है तो पोस्टमैन ने जो है वो दो से तीन के दरमियान ही आना था तो बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं जो है वो दो बजे तक जो है वो घर पहुँच जाऊँ क्योंकि फिर बच्चों को लेने का भी टाइम होगा तो जो बाकी यहाँ से ग्रोसरी डन करूँगी तो उनको भी जो है वो जाके सेट करना है तो अभी मैं जो है वो बस का ही वेट कर रही थी धूप बहुत जबरदस्त निकली हुई थी लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती कि दो तीन दिन से तो इतनी ज्यादा यहाँ पे कोई ठंड पड़ रही है ना कि आप फ्रीज हो रहे हो तो बस अभी जो है वो मैं घर पहुंच चुकी थी और मैंने कहा कि चलें अब जो है वो ज़रा पार्सल खोलते हैं क्योंकि जैसे मैं घर पहुंची तो उसके दस मिनट के बाद ही जो है वो पार्सल आ गया था तो चलें मिल के इसको ओपन करते हैं तो ये है निंजा फूडी आ ये फूड प्रोसेसर है ये पहले भी मेरे पास था और कोई मैंने तीन से चार साल जो है ना उसको यूज़ किया है आ लेकिन वो बस मेरी अपनी ही एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो मशीन है वो ख़राब हो गई थी आ उसके अलावा जो बाकी ये आपको इसके जो जग वग़ैरह नज़र आ रहे हैं ना वो पुराने मेरे पास अब अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं मतलब उनको फेंकने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि वो इतने जो है वो अच्छी कंडीशन में पड़े हैं लेकिन बस वही मशीन का ही मसला था और ये थोड़ी सी जो है वो एक्सपेंसिव है तो इसीलिए मैं जो है वो दोबारा इसको अभी नहीं ले रही थी मैं वेट कर रही थी कि क्रिसमस आने वाली है तो आपको पता है कि यहां पर जो है वो यूके में क्रिसमस पे ऑफर लगती है तो मैं वेट कर रही थी कि मे बी कि इस पे भी जो है वो वो ऑफर हो तो फिर बॉक्सिंग डे पे तो जो है वो इस पे ऑफर लगी हुई थी बहुत नहीं थी लेकिन फिर भी ये जो है वो टू हंड्रेड से जो है वो ज्यादा पाउंड की है लेकिन मुझे जो है वो ये पे वन की मतलब एक सौ साठ पाउंड की मिली तो ये भी बहुत अच्छी ऑफर पे मुझे सॉलिड चीज है मतलब आपकी सालों साल चलती है मतलब मैं तो इसकी इतनी यूज हो गई थी ना कि अब मैं वेट कर रही थी कि इस पर कोई ऑफर लग गई और मैं दोबारा से ये लू ये अमेरिकन ब्रांड है यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन नो डाउट ये चीज बहुत बहुत कमाल की है, बहुत है। यूज़फुल तो इसका एयर फ्रायर भी मेरा जो है वो यही निंजा का ही है तो ये ब्रांड बहुत ही अच्छा है तो बस आज ये आ गया था इसका बहुत मैं जो है वो वो कहते हैं ना कि बेसब्री से वेट कर रही थी तो बस अभी जो है वो मेरी कुछ रेसिपीज भी जो है वो रुकी हुई थी इसी की वजह से अभी आगे जो है वो इसकी रेसिपी भी आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी कि इसमें मैं क्या क्या बना रही हूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर कोई लेना चाहे जैसे यूके कनाडा अमेरिका में तो लोग इजीली ले सकते हैं मुझे पाकिस्तान का नहीं पता जो है वो मैं ड्रम स्टिक जो है वो बना रही थी इस तरह मैं ड्रम स्टिक जो है ना वो बना के रख देती हूँ कि अगर कोई मेहमान आ जाता है या वैसे आपका खुद दिल कर रहा होता है तो ये चीज़ ना बनी हुई पड़ी होती है तो अभी जो है वो मैंने कट लगाने के बाद इसके ऊपर नमक और सिरका लगा के ना अभी इसको

कर लिया था और उसके बाद जो है वो इसमें ड्रम स्टिक डाले हैं और सारे के सारे ड्रम स्टिक डालने के बाद आपने जो है वो इसको लो फ्लेम कर लेनी है और लिड जो है वो लगा के ना रख देना है तो ये जो चिकन और दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा तो ये उसी में ही जो है वो ये स्टीम में गल जाएगा तो इसको जो है वो मैं बीस से पच्चीस मिनट के लिए ना दम वाली आँच पर छोड़ दूंगी यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें कि पानी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन चिकन जो है मैंने चेक किया है तो वो गल चुका है तो अभी जो है वो मैंने फ्लेम हाई कर दी है अब दोबारा इसके ऊपर लिड लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी हमने जो है वो पानी ड्राई करना है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये जो है वो इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी होगी तो इस तरह ये मैं बना के ना तो रख देती हूँ फ्रिज में आपके जो है वो कोई गेस्ट आ जाते हैं या कुछ तो आपके पास ये जो है वो एक रेडी होकर पड़ा होता है तो इसके बाद बस यही होता है कि इसको ये हाफ से ज़्यादा तो कुक हो चुके आप इस जो पॉइंट पे भी इसको खा सकते हैं लेकिन इसके बाद यही है कि आप जो है वो जब आपको ज़रूरत हो तो आपने इसको जो है वो एयर फ्रायर में या ओवन में दस से पंद्रह मिनट के लिए ग्रिल कर लेना है तो बस आपके ड्रम जो है वो रेडी हो चुके हैं हेल्दी इसमें कोइल जो है वो हमने ना ऑयल यूज़ किया है और ना कुछ तो ये आराम से जो है वो आप बना के रख सकते हैं तो बस ये अब रेडी हो के मैंने ये जब तक रूम टेम्परेचर पे आएंगे मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो बस यहीं तक था ये मैं मेरा आज का व्लॉग अभी जो है वो बच्चों को लेने का टाइम हो गया है उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो मिलती हूँ मैं किसी और नए व्लॉग या रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज